सिर्फ अब बचा है 1 मिनट और हमको पहुंचना है। ये भी पट्टी है यार, गजब की चीज है यार। फाउंडेशन देखो, व्लॉग में लूंगी आपका तो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरे गला और सर्दी खाँप में कुछ बाकी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सुबह सुबह ये स्टीम ली है मैंने, जिससे मेरे को हल्का सा रिलीफ लग रहा है। और अभी रूम की हालत भी आप देख सकते हो, तो ये सारा मैं क्लीन करूँगी अभी। और आज मुझे मेरे डॉक्टर को दिखाने के लिए उदयपुर भी जाना है, तो जल्दी से करके कर देते हैं काम। और मुझे मेरी फ्रेंड की शादी में भी जाना है, तो 10-15 मिनट वहाँ पे भी मैं अटेंड कर लूँगी। अभी 9 बजे उसके फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमको निकलना है 11:30 बजे। तब तक मैं मेरा काम कंप्लीट कर लूँ और फिर उसकी शादी भी अटेंड करके आ जाएंगे। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी एक बार फंक्शन अटेंड करके आ जाती हूँ। मेरी फ्रेंड की हल्दी है इसलिए। और आज चिकू क्या 4K में शूट हो रहा है? तो इतना पास में क्यों है? तो मैं कैसी लग रही बता दो, मेरा लुक बता दो हल्दी का। और मैंने मम्मी की साड़ी पहनी है, क्योंकि मेरे पास लाइट वेटेड में येलो कलर नहीं था इसलिए। तो फटाफट से एक बार फंक्शन अटेंड करके आ जाते हूँ। और गोप्रो साथ में लेके जा रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स अगर कंफर्टेबल होंगे तो मैं बताऊँगी आपको व्लॉग में। काफ़ी धूप। ए पुष्पराज, अरे ओ पुष्पराज, छुकेगा नहीं सारा। कौन रहा है झुकने? तुम ही कह रहे थे अभी झुकेगा नहीं सारा। हम सब जने यहाँ पर फंक्शन में एंजॉय कर रहे हैं और फोटोग्राफी सबकी हो गई है। अभी गणेश बैठ रहा है, भाभी का आज तो आएगी ब्लॉग में। तैयार उदयपुर के लिए, अभी मैं कार में जा रही हूँ। चिकू का फ़ोन आ रहा है पर नहीं उठाऊंगी अभी फ़ोन। अभी एक बार हम जा रहे हैं शॉप पर, क्योंकि शुगर की बनानी है वैनिटियाँ 2, तो फटाफट से क्रिएट कर देती हूँ वैनिटी, क्योंकि हमको भी निकलना है उदयपुर। और फिर जो कस्टमर है वो हम जाएंगे इसके बाद आने वाला है। सांस थोड़ी फूल गई है क्योंकि खांसी आ रही है इसलिए। और अब शॉप पर जाके मिलती हूँ। ये भी पार्सल शॉप करो, कहीं जा रहा है उदयपुर। बहुत ज़्यादा भारी। एक बड़े बड़े नहीं थे कॉम्पैक्ट भी? अच्छा, ये लाते की जगह पे ये वाला रख देती हूँ। फाउंडेशन, इसके बाद करेक्टर स्टिक। वैनिटी आधी अधूरी तो बन गई है, पर अभी हम लेट हो रहे हैं इसलिए अब आके फिर बनाऊंगी मैं। और ये अभी अभी जाएंगे घर पर। सिर्फ अब बचा है 1 मिनट और हमको पहुंचने में फिक्स 1 मिनट हम लेट हो गए, क्योंकि डॉक्टर 1 मिनट के बाद, अरे बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है। जिसको सामने लेना है ना, ये ऐसे पूरा सर्कल लेके सामने ले लो। और लेट भी हो गए, 1 ही मिनट लेट है। आई होप डॉक्टर नहीं निकल जाए, क्योंकि निकल गया तो मेरे को प्रॉब्लम है, वो मैं किसी और को बता भी नहीं सकती हूँ। चिकू भी उड़ा रहे गाड़ी, भगा तो नहीं रहे, उड़ा रहे गाड़ी, क्या करे। हाँ ये चलो 2-4 मिनट लेट हो गए। जल्दी तुम पहुँचो, मैं आता हूँ। अभी जस्ट डॉक्टर को बता के फ्री हुए हैं, सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है पेट में, और पेट के लिए ये डॉक्टर संजय जैन इतने ज़्यादा बेस्ट है। यानी मुझे पेट का इतना ज़्यादा इशू था, बिल्कुल क्योर हो चुका है और अभी मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े टाइम की दवाई दी है, मैं सही हो जाऊँगी। कुछ मेरा भी रूटीन सही नहीं है, उस वजह से मुझे हो रहा था। हाँ
बाहर का खा लिया था इसलिए, और अभी मैं एकदम ठीक हूँ। अब मैं खाना खा लेंगे, हम लोग खाना खा लेंगे, और पापा मम्मी भी अगर फ्री हो गए होंगे तो हम लोग निकल ही जाएंगे, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। नहीं, हाँ, सैनिटाइजर करते हैंड को। एक मिनट, नाक बंद हो गया, इसलिए नाक में एक बार दवाई डाल दो। अब सेलिब्रेशन चाह रही है अपन, अब हम जा रहे हैं सेलिब्रेशन मॉल, वहाँ पर करेंगे कुछ नाश्ता, नाश्ता वो भी हाइजीन के साथ, क्योंकि ये बिगर हाइजीन वाली चीज़ें नहीं खाइए ना, इसलिए ये डॉक्टर के पास आना पड़ रहा है, तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। अभी हम आ गए हैं मॉल, और मॉल में देखने हैं मेरे लिए जूते, जो कि मैं रेगुलर वेयर में काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबली वेयर कर सकूं, क्योंकि मेरे खड़े रहने का काम ज़्यादा होता है, तो एक बार देख लेंगे, अगर जमेंगे तो लेंगे। मम्मी फ़ोन करके टेंशन कर रही है कि क्या हुआ, बात कर लेती हूँ। अभी हम दोनों आ गए हैं मॉल में और जा रहे हैं, और मॉल्स में भी अब तो कोविड वैक्सीन यानी सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं और कंपलसरी हो गए। में भी नहीं आने मिलेगा। और अभी हम जा रहे हैं जो हमको परचेज करना है वहाँ पर। फाइनली हमारे शूज हो गए कंफर्म, इसको बॉक्स में डाल रहे हैं। हाँ, कंफर्टेबल तो है। हम घर का सामान लेने के लिए आए, क्योंकि शक्कर ख़त्म हो गई थी, जो जो चीज़ें ज़रूरत की है वो ले रहे हैं। तो ये शक्कर दो पैकेट ले लो, ले लो। क्या होता है पैकेट पैक नहीं पैक रहता है, तो बना के पीने शक्कर। ऑयल भी लेना, राइस भी लेने थे। राइस कौन से, क्या क्या नहीं, दावत ले लो, दावत अच्छा होता है, मस्त आता है। अरे खजूर लेना, पापा को खजूर खाने थे। फालतू का सामान ना खरीदा जाए, इसलिए मैं पास में और फटाफट निकल जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा देर रहते हैं तो इतनी चीज़ें खरीदा जाती है, मॉल वाले काम ख़राब है। कुछ लेना थी मसालों में से, देख लें दो मेरे को। शॉपिंग हो गई है बिग बाज़ार से, और उसी शॉर्टकट से निकला जा रहा है डायरेक्ट बिग बाज़ार से ही। और ये हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चलाते हुए, गियर सही नहीं लग रहे। अच्छा, अब सीधा कार में, और कार से सीधा मम्मी पापा के पास। एंड माय स्केचर्स रेड टेप के जूते अंदर गए, स्केचर्स से पहन लिए गए, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यस यस बेबी, थैंक यू। ये चिकू की एंट्री, और सारा सामान लोड होगा, बिना दीदी का सामान बाहर रखना है ना। और कैसे, कहाँ शादियों में घूम रहे हैं? घूमना पड़ता है। और कैसे, बढ़िया। बिना दीदी के यहाँ पर आ गया है शॉप करो का पार्सल। ओ यू मैं व्लॉग में लूंगी आपका। ले, ले, ले। क्या बाल काले कर दिए? नहीं, ये चोटियाँ हाईलाइट गए वो कहीं कटिंग कर करके। ये दो चोटियाँ देखो बिना दीदी की। हाँ, मैं आज ले रही हूँ बिना दीदी के सैलून में सर्विस, जो कि है हेयर ऑयल, और ये बिना दीदी ने बनाया है उनके हाथों से। तो ये अब आपको अगर जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं इनसे पूरी रेसिपी लेके बना के बताऊंगी, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए भी बनाया गया है। फिर ये लगा के फिर सच में आप चेक करना। मसाज देती हूँ चिकुत, कभी मादन तेल भी नहीं लगा के देते। वाओ, मस्त लग रहा है। आज लगा बिना दीदी का हाथ। आज वाली वीडियो प्रॉपर ऑयल मसाज दिख रही है। नहीं तो घर वाली दिखती है। बनी आ गया इसके मामा को मिलने के लिए। बनी, मेरा भानेज। बनी उधर, ये नहीं 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 नहीं। मैं छोटा भानेज हूँ। इतना लाडला भानेज है। अरे मामा के लिए हम पता है मॉल जाते हैं तब इसको याद करते हैं, इसके लिए पेडिग्री लेके जाए, अब सबके लिए कुछ ना कुछ होता है, इसके लिए क्या लेके जाए। अरे कुछ नहीं करेगा, जा। आजा बनी, जल्दी जल्दी जल्दी।
सही बोल रहे बनी हो गया ओ बनी बनी हो गया सोएगा पूरी पूरी यानी पूरा सीधा सोएगा देखना अनी जा रहा है बचल पाए जाओ चलो उठो नहीं अभी तो पूरा हुआ नहीं है ये भी पट्टी के यार गजब की चीज है यार देख और आगे खींच के तुम जितना पीछे जाएगा देख ये देख ये देख तू जैसे जैसे जाएगा ना तू यहाँ तक ले ले और फिर तू यहाँ आ जा यूं क्या बनाना शुरू हो जाए हनी परेशान से बाजा हाथ है वहीं मुंह जाएगा जल्दी हंस रहा हाँ वही चीज को बहुत खुशी पर देख भी रहे हंस रहा है वैसा चिकू और हनी गए थे मार्केट पार्सल लगाने के लिए वो लगा के आ गए और अभी बिना दीदी बना रहे हैं आलू के पराठे हमारे लिए और ये दो चोटियां तो क्या पता माथे पे जम गई है तो ये आलू के पराठे बन रहे हैं आलू का मसाला तैयार हो रहा है डो तैयार हो गया है रेसिपी बिगर वगैरह हुए आलू के पराठे ये हेवी नहीं पड़ते हाँ ये हेवी नहीं पड़ते और बॉइल्ड है इसलिए गैस भी नहीं करेंगे सरसों का तेल लगाया है मैंने और इतने टेस्टी बनते हैं ये पराठे तो हम अभी निकल रहे हैं ओके हनी बाय 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 और ये ऑयल भी मिले जा रही जो बिना दिन बनाया है घर आ गए हैं और कोई हेल्थ का इशू नहीं था डॉक्टर को दिखा दिया और फिर हम बिना दी के घर पे ही रुके हुए थे मम्मी पापा एक वेडिंग अटेंड करने गए थे वेडिंग उन्होंने अटेंड कर ली मेरे हॉस्पिटल का काम भी हो गया पूरे दिन में और मेरे लिए जूते भी खरीद लिए कब से हम सोच रहे थे पर मैं सोचा नहीं था आज खरीद लेंगे पर अच्छे लग गए और ऑफ़र में भी थे तो ले लिए क्योंकि मेरे खड़े रहने का काम ज़्यादा पड़ता है इसलिए जूते तो कम से कम कम्फर्टेबल होने ही चाहिए यूँ सोचा चिकू ने तो फिर दिला दिया चिकू तो अब मैं कर देती हूँ यहीं पर ब्लॉग का एंड अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में ओके बाय